विधि आयोग ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो जुए और सट्टे को कानूनी मान्यता दिलाने के पक्ष में है। विधि आयोग के अध्यक्ष बीएस चौहान ने कहा कि पैनल की सट्टे और जुए पर आई रिपोर्ट को गलत समझा गया है। आयोग ने सट्टे और जुए पर पूरी तरह से प्रतिबंध की मांग की है। सट्टा और जुए को कानूनी मान्यता दिए जाने को पूरी तरह से गलत बताते हुए विधि आयोग ने कहा कि इन्हें मान्यता देना सही नहीं है। जस्टिस चौहान ने अपने बयान में कहा कि विधि आयोग ने सट्टा और जुए पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत में इन्हें मान्यता देना सही नहीं है। जस्टिस चौहान ने कहा कि आयोग ने सुझाव दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को सट्टेबाजी और जुए को वैध बनाने की जरूरत महसूस होने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश में कहा है कि जुए पर नियंत्रण ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प है। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। विधि आयोग ने कहा कि अगर सरकार सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे सशर्त वैधता प्रदान करना चाहती है तो जिन्हें सब्सिडी मिलती है या जो आयकर कानून या जीएसटी कानून के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह के सट्टेबाजी की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि सरकार को समाज के पिछड़े वर्ग को इसका शिकार होने से बचाने के लिए एक व्यवस्था बनाना सुनिश्चित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।